हेलो एवरीबॉडी, EzQuant के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से दिखता है और मैंने आपको बताया कि क्यों हम एक रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को ऑप्शंस में फॉलो करना चाहते हैं। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम ऑप्शंस को सिलेक्ट कैसे करते हैं और टाइम बेस्ड रेंजेस और टारगेट स्टॉप लॉस ये सारी चीज़ें कैसे एंटर करते हैं। अगर आप चाहते हो कि बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेडिंग हो तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए और आपकी लेफ्ट साइड वाली लिस्ट में जो भी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस अभी लिस्टेड है वो सारे आ जाएंगे। अगर आपको निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है तो आप निफ्टी पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शंस आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर वीडियो में आपको बैंक निफ्टी ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा, तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस। आज 16 जनवरी है, आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी, करीब करीब 31,900 के आसपास चल रहा है। चलिए एक कोई कॉल और पुट का पैर उठा लेते हैं, तो 31,900 मैंने लिख दिया यहाँ पे। आज 16 जनवरी की एक्सपायरी, ये रहा दोनों का कॉल और पुट, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिए। अगर आपको चाहिए कि मुझे भी ITM ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे 31,800 का कॉल और 32,000 का पुट भी सिलेक्ट कर सकते हो। कोशिश करिए कि आप पेयर्स में सिलेक्ट करो और वो पेयर्स अभी करंट जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है उससे इक्विडिस्टेंट हो प्रेफरेबली, क्योंकि आप इंडेक्स के जो किसी भी साइड का मूवमेंट हो, अगर इंडेक्स बुलिश हुई हो या बेरिश भी हो, तो दोनों साइड के मूवमेंट का एक अच्छा सा फायदा उठा पाए। और शुरुआत के लिए अगर आप बिगिनर हो तो दो से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट मत करो, एक कॉल और एक पुट का पेयर उठा लो और उससे आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दो। सेम यहाँ पे टाइम बेस रेंज डालना है, जो हमारे पिछले कैश सेगमेंट वाले सॉफ्टवेयर था उससे बहुत ही सिमिलर। अगर आप चाहते हो कि 9:15 से 9:20 का कि पहली 5 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट फॉलो हो, याद रखिए ब्रेकआउट बैंक निफ्टी के चार्ट में नहीं बल्कि ऑप्शंस के चार्ट में फॉलो होगा, तो आप 9:15 से 9:20 डाल सकते हैं। आपको जो भी टाइम डालना है, आपको डालना है कि 11:20 से 11:27 का ब्रेकआउट फॉलो हो तो आप वो भी कर सकते हैं। आप अपना टाइम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और उसमें जो भी रेंजेस बनेगी ऑप्शंस में उनका ब्रेकआउट हमारा सॉफ्टवेयर 100% डिसिप्लिन से फॉलो करेगा। नेक्स्ट है हमारा टारगेट स्टॉप लॉस और बफर परसेंटेज। टारगेट परसेंटेज आप परसेंटेज ऑफ द रेंज में स्पेसिफिक करना है, पिछले वीडियोज में मैंने बता रखा है, बट स्टिल जो लोग नए हैं उनके लिए जो भी रेंज बनता है, मान लो 5 रुपये का रेंज बनता है, तो आप अगर 100 स्पेसिफिक कर रहे हो तो 5 रुपये का टारगेट सेट हो जाएगा। अगर 50 स्पेसिफिक कर रहे हो और 5 रुपये का रेंज है तो 2.5 रुपये का SL हो जाएगा। सेम बफर ऑफ द रेंज जनरली मैं 0 रखता हूँ, पर आपकी चॉइस, अगर आपको एंट्री साइड दोनों लॉन्ग और शॉर्ट एंट्रीज में बफर डालना हो तो आप यहाँ पे बफर जो भी परसेंटेज ऑफ द रेंज है वो स्पेसिफाई कर सकते हो। मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज परसेंटेज क्यों ऑफ द प्राइस, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो ऑप्शंस जो लिक्विड नहीं है, जिनमें ट्रेडिंग नहीं हो रही, जिनकी प्राइस चेंज नहीं हो रही, वो फिल्टर आउट हो जाए, तो हम यहाँ पे 1 या 2 डाल देंगे ताकि इससे कम जो रेंज बने 5 मिनट में या 2 मिनट में, अगर ये 200 रुपये वाला ऑप्शन 2 रुपये की भी रेंज नहीं बना पा रहा था, हम उसमें ट्रेड नहीं करना चाहते, तो मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया। और साथ साथ मैं चाहता हूँ कि 20 रुपये से ज़्यादा बड़ी रेंज बनाए तो भी हम ट्रेड ना करें, तो यहाँ पे मैंने 10% ऑफ द रेंज डाल दिया। तो जो ऑप्शंस ये रेंज में जो प्राइस का परसेंटेज का जो रेंज है उसके अंदर की जो हाई और लो बनाते हैं, उसके अंदर का जो उनके हाई और लो का डिफरेंस होता है वही ट्रेड होंगे, बाकी सारे इग्नोर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा काम है मैक्स ट्रेड्स एंटर करना। अगर आप चाहते हो कि 2 ट्रेड्स ही हो तो आप यहाँ पे 2 एंटर कीजिए, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ 4 ट्रेड्स ले सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे 4 एंटर कीजिए। ये था कैसे वैल्यूज लगानी है, बाकी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सारे जो अलग अलग मोड्स हैं उनका मतलब क्या होता है, कौन से मोड से क्या होता है, सिर्फ सेलिंग करनी है आपको, बाइंग करनी है, कैसे वो कॉन्फ़िगर किया जाए और सॉफ्टवेयर को एक प्रॉफिटेबल तरीके से चलाया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर सॉफ्टवेयर ट्राई करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे मेरा कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर और हैप्पी ट्रेडिंग।